बस कर भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शो बॉय के, एंड आई एम बैक विद अनदर VLOG। सो आज हम लोग जाने वाले हैं कहीं ऐसे प्लेस पे जिसका हम लोग को पता नहीं है, मेरा भाई लेके जाएगा। एंड अभी हूँ मैं शंकर घाट पे, ये मंदिर है, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे। एंड ये प्लेस जो है राजपुर के आसपास है कहीं पे। सो अपन देखते हैं, आपको भी देखने को मिलेगा कि कैसा प्लेस है। एक्चुअली मेरे को पता नहीं है कहाँ पे है वो, सो आपको भी पता चलेगा जैसे जैसे अपन जाते जाएंगे। तो यहाँ से निकलते हैं अपन, है ना। तो आपको रास्ते में ही गाइस हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ से शंकर घाट से अपन निकल चुके हैं। तो रास्ता बहुत लंबा हो सकता है, तो मैं इसको कट करके डाल सकता हूँ अपने मतलब वीडियो में। जो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, एंड देखने को मिलेगा आपको वो प्लेस जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। गाइस हम लोग असोला से निकल चुके हैं, एंड यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, अगर आप आओ तो यहाँ पे पेट्रोल डलवा सकते हो। आगे में पेट्रोल पंप है, तो वी आर गोइंग पेट्रोल डलाने। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, अगर आप बाहर से हो या फिर कहीं भी दूर से आ रहे हो तो यहाँ से पेट्रोल डला सकते हो। यहाँ पे एक नए नया पेट्रोल पंप खुला है, तो हम लोग भी डलवाने जा रहे हैं पेट्रोल। तो ठीक है, लेकिन एक ही जगह का है ये। पेट्रोल पंप से निकल चुके हैं और पेट्रोल चला के, थोड़ा सा ये रोड खराब है, तो अपन रोड को देखते हुए थोड़ा धीमी रफ्तार पे जाएंगे। एंड बहुत धूल उड़ता है गाइस यहाँ पे, तो आप आए तो देख लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार, जैसे आना चाहे वैसे आ सकते हैं। अपन भी निकल रहे हैं गाइस, और कितना दूर है ये तो नहीं पता मेरे को, बट देखते हैं अपन कितना टाइम पहुंचते हैं। एंड कितना, 30 किलोमीटर, 30 या 40 किलोमीटर है गाइस। तो देखते हैं अपना सफर कैसा रहता है, अपना वहां देखने में को क्या मिलता है और एंजॉय कर पाते हैं या नहीं। इस अपन असोला के बाद यहाँ पे भकुरा करके एक गांव पड़ता है, तो आप यहाँ से गुजरोगे देन रास्ते में। ये देखिए, ये ऑक्सी हेवन करके यहाँ से पानी का सप्लाई होता है, लाइक यहाँ बनता है बॉटल सब होते हैं, जो ऑक्सी हेवन करके आप लोग ने पानी पिया होगा तो यहाँ से बनता है। ये पड़ता है आपके भकुरा से थोड़ा सा आगे, यहीं से सप्लाई होता है, ऑल ओवर पूरा मेरा अंबिकापुर में फिल्टर प्लांट यहीं पे है। तो गाइस यहाँ से पूरा आपका पहाड़ वाला एरिया चालू हो जाता है। भकुरा जो ये आपका प्लेस है, गांव है, तो ये पहाड़ पे ही बसा हुआ है लगभग, और यहाँ से पहाड़ चालू हो जाता है आगे। एंड भकुरा से आगे भी जो जो गांव पड़ता है, मैं आपको शायद से बताते चलूं, आपको देखने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा कि क्या क्या गांव पड़ता है आगे, और आपको जाने में आसानी होगी। कभी भी आप आए उस प्लेस पे और कभी भी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ एंजॉय करना चाहें, या फिर आपको मतलब अभी वीकेंड में कहीं जाना हो तो आप आ सकते हो, लाइक चिल करने आ सकते हो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो आपको रास्ता भी आपको बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आपको परेशानी ना हो कभी आए अगर आप तो जाने में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। अपन यहाँ से जब निकल रहे हैं, यहाँ से सीधा रामानुजगंज आप जा सकते हो, और ये जो CRPF का एक जवान जो लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे उनका, जो जवान है अपने CRPF के, तो उसका ट्रेनिंग सेंटर ऊपर में है इधर, तो यहीं पे ट्रेनिंग उनका होता है। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो धान रहा है, अभी सीजन चल रहा है धान कटाई का, तो धान की कटाई चल रही है यहाँ पे, देख सकते हो आप जैसे लोग वहाँ कटाई कर रहे हैं। एंड हम लोग आगे जाते जा रहे हैं गाइस यहाँ से, और यहाँ से 9 किलोमीटर आगे बरियो पड़ता है, तो वहाँ पे बाजार लगता है, बरियो बाजार जिसको अपन बोलते हैं। यहाँ के जितने क्षेत्र वाले हैं, जितने भी रहने वाले हैं, उनको पता होगा कि बरियो बाजार लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं, वहाँ पे बाजार जैसे सब्जी होता है ये सब बेचने आते हैं, और जितना भी लोकल चीजें होती है वहाँ पे बिकती हैं। तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हो कभी आओ सो घूमने। तो अपन भकुरा से निकल चुके हैं गाइस, और आपको रास्ते में जो भी चीजें जानने लायक हैं या फिर बताने लायक है मैं बताते जा रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और देखने में अच्छा भी लगे। यहाँ पे मंदिर भी है गाइस, आप एंटर कर सकते हो अगर आओ कभी, तो मंदिर भी है रोड के बगल में, आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो मौसम भी आज अच्छा कर रहा है गाइस, और देख सकते हो ब्लू ब्लू स्काई दिख रहा है, बट रोड थोड़ा सा खराब है तो अपन हिसाब से चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, यहाँ से राजपुर का जो बफौली से आगे वाला है बेसिकली रास्ता है, वो जाता है राजपुर के तरफ जाता है, और सीधा सीधा चले जाओगे तो रामानुजगंज ये लेके जाएगा आपको बलरामपुर, और आगे भी बहुत सारे झारखंड वाला रोड भी इसको बोल सकते हो आप लोग, यहाँ से झारखंड भी आप सीधे सीधे बलरामपुर से आगे जा सकते हो, ये रोड आपको वहां तक पहुंचा देगा। तो ये रहा परियो, यहाँ से 4 किलोमीटर है गाइस, और परियो से आगे कुछ किलोमीटर आगे राजपुर पड़ता है, और हम लोग जहाँ पे जाना चाह रहे हैं वो प्लेस उसी कहीं आसपास में है। तो अपन बस निकले हैं गाइस, और देख रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं रास्ते का, और हमारा भी एक्सपीरियंस वहाँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो भाई लोग शायद जा चुके हैं वहाँ पे, बट मैं नहीं गया हूँ, तो देखते हैं गाइस वहाँ का सीन क्या होता है, और बहुत कम पर्सन वहाँ पे जाते हैं, वहाँ तक उतना नोन प्लेस नहीं हो पाया है अभी, बट देखते हैं कैसा होगा वहाँ पे। तो आपका एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी अपना रखे रहिए मेरे जैसे। गाइस हम लोग बरियों के क्षेत्र में घुस चुके हैं, यहाँ से बरियों स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जस्ट अपन यहाँ से जस्ट पीछे बरियों थाना था, तो और यहाँ से थोड़ा सा आगे में बरियों का बाजार लगता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे अंदर जाके नहीं दिखाऊंगा बट वहां से ही दिखाऊंगा आपको कि यहाँ लगता है बाजार। गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से सेंटर होते हैं, पूरा बाजार लगता है यहाँ पे बरियों के, इसके ये जो दिख रहा है यहाँ से इसके उस तरफ, और अपन यहीं से कहीं से कटेंगे, अपन राजपुर के पास नहीं जाएंगे, राजपुर के आसपास है इतना मेरे को था, बट अभी आई डोंट नो कहाँ से कहीं से तो कटेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से अपन कट रहे हैं। गाइस यहाँ पे अपन बरियों से जो बाजार है वहाँ से आगे आ चुके हैं, और यहाँ से 200 मीटर आप जाओगे देन आपको राइट घूमना है वहाँ से, तो अपन दिखाते हैं कब ये यहाँ से। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ से अपन को घूमना है, जस्ट 200 मीटर है यहाँ से, तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो गाइस अपन मुड़ रहे हैं, यहाँ से आपको राइट मुड़ना है, दुर्गे जनरल स्टोर से मुड़ना है, चल मैं समझ गया। गाइस अपन अंदर आ चुके हैं, बरियों बाजार जो है वहाँ से आपको 200 मीटर के आगे जस्ट राइट मुड़ना है, और वहाँ से आपको अपने जो है प्लेस वहाँ की ओर जाना है, लाइक यहाँ से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर आसपास होगा जो प्लेस है अपन बता रहे हैं। तो ये रोड थोड़ा सा खराब हो सकता है रोड मे बी, क्योंकि ये थोड़ा सा आउटर एरिया हो जाएगा गाइस, और यहाँ से पहाड़ की ओर अपन जाएंगे, तो आप लोग समझ सकते हो पहाड़ जहाँ पे होता है वहाँ पे रोड उतने अच्छी तरीके से बन नहीं पाते हैं या बनाया नहीं जाता है, आप लोगों को पता है। तो अपन जा रहे हैं गाइस, और रास्ते में आपको रास्ता तो दिखाते ही जा रहा हूँ, साथ ही साथ आपके साथ मैं इंटरेक्ट भी करते जा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या है एंड कैसा है रोड कैसा है, तो अपन लोग वहाँ पे जाके देखते हैं क्या कर पाते हैं आगे। आई डोंट नो वहाँ पे आगे शॉप होगा या कोई होगा कि नहीं, दुकान दुकान कुछ होगा कि नहीं पता नहीं अपन को, आप लोग आपको देखते हैं, अगर आगे होगा नहीं तो आपको बता दूंगा मैं कि आपको कुछ भी अगर आपके जरूरत के सामान अगर वहाँ पे ना मिले तो। गाइस देख सकते हो आगे का सीन, यहाँ रोड साइड बहुत दिन से खराब है, तो आप लोग देख सकते हो पेड़ हो चुका है यहाँ पे पूरा, गाइस पेड़ देख रहे हो, घर व्हाइट हो चुका है, ये पूरा पेड़ व्हाइट हो चुका है, और क्योंकि रोड खराब है इधर का बहुत ज्यादा, तो धूल उठता है पूरा, यहाँ पे बहुत धूल है गाइस, और इतना धूल है कि क्या बोलूं आपको कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना धूल है गाइस, देख लो गाइस बहुत धूल है गाइस। आप लोग बाइक से आ रहे हो तो आप लोग अपना समझ के आना, मेरे को तो पता ही नहीं था इतना गंदा रोड है यहाँ का, तो आप लोग कार वार से आ रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, कार से ही आओ, और बाइक से आओगे तो फिर धूल खा के जाओ फिर कार से आओ, अपने आप को बचाओ, धूल ही धूल, सावधान, आप हाथी विचरण क्षेत्र में, यहाँ गाइस हाथी विचरण क्षेत्र में अपन एंटर कर चुके हैं, हाथी यहाँ से आते जाते होंगे रात में या दिन में भी, आई डोंट नो, और एक गाड़ी और हमको धूल में सनने के लिए यहाँ पे तैयार, और ये
हम लोग धूल में सन रहे। बस कर भाई, अना जंगल है गाइस, ये यहाँ से धूल ही धूल, बहुत धूल का रास्ता है। आप प्रिफर करें कि कार से ही आओ, आप बाइक तो बिल्कुल यहाँ पे आने लायक है नहीं गाइस। हम लोग आ चुके हैं क्योंकि हमको पता नहीं था गाइस, यहाँ जंगल से हम लोग ऐसे आपको लेफ्ट मुड़ना है, ये वाला रास्ता आपको लेके जाएगा। यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हो गाइस, पूरा पैर मेरा गंदा हो चुका है, आप लोग देख सकते हो कि नहीं आई डोंट नो, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुक गए हैं, बहुत धूल पूरा मिट्टी, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे, सो आपको दिखाते चलूंगा मैं। गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ से वहाँ से बताया जैसे आपको लेफ्ट मुड़ना है और आगे जाना है, तो यहाँ से मे बी 10 किलोमीटर और आगे होगा, 10 या 11 15 आई डोंट नो। एक और प्रेशर पड़ रहा है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है भैया। देखो तो गाइस यहाँ पे आपको सीधा मिलेगा एक रास्ता और एक लेफ्ट मिलेगा, आपको लेफ्ट से मुड़ जाना है और इसी रोड को पकड़ के आपको चलना है। तो यहाँ पे गांव भी पड़ता है आई थिंक, तो आई डोंट नो कौन सा गांव है, और इतना बड़ा ब्रेकर देखने को मिलता हुआ यहाँ पे पहचान के लिए। गाइस अपन आए वहाँ से, थोड़ा सा आगे आके आपको लेफ्ट मुड़ना है, एक रास्ता सीधा जाता है, आपको दिखा नहीं पाया मैं अभी, आगे से जहाँ से आए हम लोग वहाँ से आपको आगे आके लेफ्ट मुड़ना है, एक सीधा रास्ता भी जाता है, वहाँ से मत जाइएगा, वहाँ से लेफ्ट मुड़ना है आपको। और जो हिल साइल की ब्यूटी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हो पूरा पहाड़ है यहाँ से। और गाइस यहाँ पे टाऊ की खेती भी की गई है, देख सकते हैं आप लोग, अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे टाऊ की खेती, जो मेन पार्ट में उगाया जाता है, खासकर मैंने देखी कि ठंडी के दिनों में और ठंडी जगह पे शायद इसको उगाया जाता है। तो गाइस यहाँ से गांव एंटर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आने के बाद एक गाँव पड़ता है, तो गाँव के बाद वो जो गाँव है वहाँ से लेफ्ट मुड़ना है अपने को और आगे जाना है, देख सकते हो ये पूरा गाँव का एरिया है। गाइस ये बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, तो मैं आई थिंक कहीं से कट से मार सकता हूँ वीडियो में, बट आपको रास्ता तो क्लियरली आपको दिखाते चलूंगा मैं कि कहाँ कहाँ से अपन जा रहे हैं। बापू, नहीं। यहाँ से आई थिंक स्टार्टिंग है यहाँ के एरिया का, और यहाँ से ही हम आपको दिखा पाएंगे कि क्या है आगे। और उधर इस गांव का नाम है बांटी डांड गाइस, और यहां से पूरा रिवर है, यहां पे देख सकते हैं आप लोग कि बहुत लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। यहां से स्टार्ट हो चुका है जहां पे हम लोग आने वाले थे, आपको प्लेस के बारे में, जिस प्लेस के बारे में मैं बता रहा था वो प्लेस आ चुका है, और यहां से रिवर है, आपको नज़दीक से दिखाऊंगा मैं, वैसे एंटर तो कर चुके हैं अपन। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग को आना था, एंड आप लोग देख बैकग्राउंड कैसा है, ये देखिए गाइस, ये बेसिकली गाइस ये पिकनिक स्पॉट है और यहां पिकनिक मनाने आ सकते हैं आप लोग। सो आपको नीचे करके मैं दिखाता हूं कैसे किस टाइप का है ये प्लेस, यहां पे नहाने के लिए आप लोग आ सकते हो, जैसे घूमने फिरने, जैसे भी अगर आप लोग के दोस्त लोग को आना हो यहां पे, दोस्त लोग के साथ आना हो तो यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज मैंने देखा, ये नेचुरल यहाँ पे जकूजी टाइप का बना हुआ है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, आप लोग को देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे बेहतरीन टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे नहाने के लिए आप आ सकते हो। आगे भी आपको दिखाता हूँ मैं कैसा है यहाँ का। आपको अभी जितना भी दिखाया या मतलब जो भी प्लेस दिखाया ये इतना ही था, और आगे भी है बट उतना खास कुछ है नहीं गाइस यहाँ पे, बस ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे आप लोग पिकनिक मनाने आ सकते हो, और बर्थडे हो गया किसी का या फिर कुछ ऐसा है तो आ सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे नहाने के ले सकते हो आप लोग, जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा बहुत सही तरीके से यहाँ पे, थोड़ा सा बस सावधानी रखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो सकता है पानी, तो थोड़ा सा ध्यान से नहाइएगा यहाँ पे जो भी है। और आगे जो इधर का तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया, ऊपर में पहाड़ है,
हरी भरी वादियाँ है, सो आप लोग यहाँ आ सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। सो गाइज, ये जगह आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और मेरे को बहुत ब्यूटीफुल प्लेस लगा ये, मतलब हरी भरी वादियाँ हैं और लाइक उस टाइप का एकदम टूरिस्ट प्लेस नहीं बोल सकता मैं इसको, पिकनिक स्पॉट बोल सकता हूँ। आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आ सकते हो, दोस्त लोग के साथ आ सकते हो और अपना बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर कुछ भी फैमिली के साथ यहाँ पे नहाने या पिकनिक बनाने ऐसे कुछ करके आ सकते हो। हम लोग यहाँ पे नहाने वाले हैं और देख सकते हो प्लेस कैसा है, और भाई लोग भी उधर जा रहे हैं नहाने के लिए एंड अपन भी नहाएंगे। तो देखते हैं पानी कितना गहरा होने वाला है और आप लोग को साथ में हम लोग इंजॉय कराऊंगा मैं कि पानी यहाँ का कैसा है, मतलब कितना गहरा है, और जाने वाला हूँ मैं पानी के अंदर। सो गाइस चलिए रहा हूँ अभी साइड से एंड जाके देखता हूँ पानी कितना गहरा है। और यहाँ पे काई लगा हुआ है गाइस, तो मेरे को शायद उतरने में प्रॉब्लम होगा, बट पानी बहुत ठंडा है गाइस शिट, और मैं पानी में उतरने जा रहा हूँ तो देखते हैं यहाँ का कैसा है। पानी बहुत ठंडा है गाइस, और इधर पानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो मज़ा तो वहीं पे आएगा नहाने में, और गहरा हो सकता है पानी, देखते हैं कितना गहरा है। सो अपन को जाके ही तो पता लगेगा कि कितना गहरा है। सो उतर रहा हूँ पानी में एंड देखते हैं, पानी बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ही ठंडा है पानी, और मैं उतर चुका हूँ पानी में एंड ऐसा लग रहा है कि गहरा है पानी। आई डोंट नो मैं जा पाऊंगा कि नहीं, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सो गाइस मैं पानी में उतर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो, और इधर पानी है और मैं अंदर जा रहा हूँ, गहरा से गहरा होते जा रहा है गाइस पानी, देख सकते हो मेरे यहाँ तक चेस्ट तक आ रहा है पानी। और अपन डुबकी लगाने वाले हैं गाइस, 1 2 3 गहरा है पानी गाइस, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे चेस्ट तक आ रहा है पानी, और आगे जाते जाऊंगा तो और पानी आ सकता है। बॉडी बिल्डर भाई देख सकते हो यहाँ पे, जो अपन ने पहले व्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ, इसका बॉडी बहुत तगड़ा है देख सकते हो, फिजिक लड़कियाँ इससे संपर्क कर सकती है अगर इनके बॉडी में इससे रहे तो। सो गाइस हम लोग जाने वाले हैं पानी में, एक भाई वहाँ पे भी नहाने की कोशिश कर रहा है, सो डुबकी लगाएगा क्या, 1 2 3 बोलूंगा ना, अब देखते हैं भाई यहाँ पे लगाएगा डुबकी, 1 2 3 बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है भाई, गहरा भी है पानी, यहाँ पे पत्थर है तो पत्थर है, यहाँ पे मैं पत्थर पे खड़ा हो गया हूँ और यहाँ पे पानी तो बहुत गहरा है। अबे आओ आगे जाओ, आप लोग आइएगा तो देख लीजिएगा। सुन ना, तैरने आता है ना तेरे को? हल्का हल्का, मेरा मोबाइल को थोड़ी डुबा देगा। सो गाइस वैसे मजा तो यहाँ पे आ रहा है गाइस, आप लोग अगर तैरने नहीं आता हो तो इस जगह पे मत आइएगा, आगे और जगह है जहाँ पे पानी कम गहरा है वहाँ पे जा सकते हो आप लोग। सो यहाँ का व्यू बोले मैं यहाँ पे आया हूँ तो देख सकते हो आप लोग, बहुत ठंडा है भाई, भाई पानी बहुत गहरा है, सुन ना मेरे को वीडियो कर ले। सो मैं गाइस आगे जा रहा हूँ और आप लोग को दिखाऊंगा कि पानी कितना गहरा है, मेरे गले तक ये पानी है यहाँ पे, और आगे और जा रहा हूँ मैं। सो गाइस देखिएगा मेरे को पानी जाने वाले हैं अपन। या सो गाइस मैं जा रहा हूँ, गहरा है उधर है, गहरा है गाइस, पानी वहां पे बहुत गहरा है, और जो भी आ रहे हो नहाने पे यहाँ पे नहाने आ रहे हो सावधानी रखिएगा, यहाँ पे बहुत गहरा पानी है, मैं तो जाके आ गया, पानी बहुत गहरा है आगे मैं गया था, पत्थर भी है आगे में, तो
आप लोग सस्टेन कर पाओगे कि नहीं, पानी में सस्टेन कर पाओगे कि नहीं आप लोग का तैरने के ऊपर डिपेंड करता है। बट पानी बहुत गहरा है यहाँ पे, आपको अगर मैं पास से जाके और दिखाऊं, सो यहाँ से मैं ऐसे दिखा सकता हूँ पानी आपको। यहाँ से जो ये बहता है यहाँ पे नहाने का कुछ अलग ही मजा आता है ऐसे जगह पे। यहाँ पे गले तक पानी है गाइस, और नहाने का मजा हम ऐसे ही लेते हैं अपने भाई लोग के साथ आके। और अरे यहाँ तो पीला। फाइनली गाइस हम लोग उधर से, अभी मैं दिखाया वहां से आ चुके हैं, और उधर से हम लोग वो जो प्लेस है वहां से हम लोग आए और यहाँ पे नहाने वाले हैं, क्योंकि वहां पे नहाने बन नहीं रहा था उतने अच्छे से, क्योंकि पत्थर भी है और बहुत गहरा पानी है। सो क्योंकि दोस्त लोग को भी उतना तैरने उतना अच्छे से आता नहीं है, सो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। एंड यहाँ पे नहाएंगे, देन अब जाएंगे अपने घर की तरफ। हम लोग यहाँ पे नहाएंगे अभी, और यहाँ से नहाने के बाद अपन घर की तरफ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या फिर कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस।